नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं और भौतिक दूरी बनाए रखें। आइए अब जानते हैं राष्ट्र राजधानी दिल्ली की रिपोर्ट। दिल्ली में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो दो महीने में सबसे ज्यादा एक दिन की स्पाइक है। स्वास्थ्य विभाग के दैनिक बुलेटिन के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार के बीच दिल्ली में 431 कोविड-19 मामले थे। राष्ट्रीय राजधानी जो एक सप्ताह से अधिक समय में संक्रमण में वृद्धि की रिपोर्ट कर रही है, ने गुरुवार को 409 कोविड-19 मामले दर्ज किए। दिल्ली भारत के उन 8 राज्यों में से एक है जो दैनिक कोरोना वायरस मामलों में एक ऊपर की ओर प्रक्षेप वर्ग की रिपोर्ट करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अन्य राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा है। फरवरी में दिल्ली लगभग 200 दैनिक संक्रमण की रिपोर्ट कर रहा था। 1 मार्च से राजधानी में दैनिक मामले बढ़ गए हैं। 9 महीने में पहली बार 27 जनवरी को दिल्ली में 100 से नीचे दैनिक मामले दर्ज किए गए। राजधानी में कोरोना वायरस के सकारात्मकता 0.60% दर्ज की गई है और रोकथाम क्षेत्रों की कुल संख्या 488 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुल 72,031 परीक्षण किए गए हैं। भारत ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर स्पाइक दर्ज करते हुए 23,285 नए कोरोना वायरस मामलों और 117 मृत्यु की सूचना दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु संचयी रूप से देश के सक्रिय कोविड-19 कैसलोएड में 85% से अधिक का योगदान करते हैं। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब दैनिक मामलों में उनके योगदान और मरने वालों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं। इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल ऐसे समय में आया है जब देश ने 2.61 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी है। ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें 7 दिनों के बाद समीक्षा करने की सलाह दी गई है, डॉक्टरों ने कहा। कल ममता बनर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा कि उनके बाएं टखने और पैर में गंभीर बोनी इंजरी हुई है। इसके अलावा दाहिने कंधे, प्रकोष्ठ और गर्दन में भी चोटें आई क्योंकि उसके समर्थकों ने सड़कों पर आग लगा दी, टायर जला दिए और कथित तौर पर हमला करने के एक दिन बाद मंदिरों और मस्जिदों में नमाज अदा की। वह अगले 48 घंटों के लिए शाम को पहले पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में कथित हमले के बाद से सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत कर रही हैं। बुधवार की रात को पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम से कोलकाता अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुख्यमंत्री के मिनट पर एक्सरे किया। ममता बनर्जी मुख्य के रूप में तीसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। उसने कहा कि किसी भी निर्धारित बैठक को रद्द नहीं करेगी और जरूरत पड़ने पर व्हील चेयर का इस्तेमाल करेगी। बनर्जी को उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़ा किया गया है, जिन्होंने कुछ महीने पहले भाजपा में प्रवेश किया था। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. अवैध बालू आधी रात को जा रहा था, लेकिन इसी बीच रेलवे ट्रैक पर जो कुट्टारडी साइडिंग जगह है NH-60 रानीगंज सूरी रोड पर दोपहर 2:30 बजे टूटी हुई लॉरी फंस गई। यह दावा किया गया है कि CBI के छापे के बाद सब कुछ अवैध हो गया है। CPIM की कर्मी सभा का आयोजन MPI स्कूल के परिसर में किया गया। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति उम्मीदवार आयुषी घोष थे। क्षेत्र कमेटी पश्चिम शाखा संपादक तापोस कवि,
क्षेत्र कमेटी के सदस्य नंबरन अशरफ खान, DYFI नीघा भट्टार पर यूनिट के सेक्रेटरी विनय पासवान, नीघा शाखा ग्रुप गौतम चैटर्जी आदि उपस्थित थे। पुरुलिया जिला के मान बाजार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौरी सिंह सरदार ने मान बाजार शहर के प्रत्येक घरों में जाकर अपना प्रचार अभियान चलाया। उनके साथ केंद्रीय तफसीली उपाजित उन्नयन मंत्री अर्जुन मुंडा भी साथ थे। जानकारी के अनुसार मान बाजार से भाजपा प्रत्याशी गौरी सिंह सरदार द्वारा शुक्रवार को चलाए गए जनसंपर्क प्रचार अभियान के दौरान लोगों की भारी सहमति उन्हें प्राप्त हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ जीतू जुड़ी के बाद गोपाल नगर एवं केंदा मोड़ में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तृणमूल सरकार को भ्रष्टाचारी काठमांडू युग सरकार बताया। कहा कि लोग अब इस सरकार को समझ चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की नीति का अनुसरण कर भाजपा के साथ हैं। इधर भाजपा प्रत्याशी गौरी सिंह सरदार ने इस चुनाव में तृणमूल प्रत्याशी संध्या रानी टुड्डू को भारी मतों से हराने का दावा किया। कहा कि जनता भाजपा के साथ है क्योंकि तृणमूल के दुर्नीतिग्रस्त सरकार से यहां के लोग वाकिफ हो चुके हैं। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। मवेशी तस्करी मामले में CBI ने विनय मिश्रा के खिलाफ खुला वारंट जारी किया है। तृणमूल युवा नेता विनय मिश्रा लंबे समय से छुप रहे हैं। CBI ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस बार उसके खिलाफ खुला वारंट जारी किया गया था। इस खुले वारंट के अनुसार देश और देश के बाहर की कोई भी जांच एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती है। रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है।
जिसे किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की और जरूरत है, सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है। ये दुनिया भर के देशों को उस व्यक्ति के अपराध से अवगत कराता है और अलर्ट भी करता है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है, ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या भागे हुए अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ध्यान रहे कि रेड कॉर्नर नोटिस किसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता है। इसके अलावा इंटरपोल का ये नोटिस वंचित व्यक्ति की पहचान करने की जानकारी होती है, जैसा कि उनके नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, बाल और आँखों का रंग, फोटो और उंगलियों के निशान अगर उपलब्ध हो, जिससे कि आसानी से उनकी पहचान की जा सके। बारवनी ब्लॉक तृणमूल ने लगभग आज दोपहर 3 बजे 8 ग्राम पंचायतों में काले झंडे के साथ विरोध रैली निकाली। कुछ दिनों पहले नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई घटना के विरोध में आज टीएमसी कार्यालय से जुलूस निकाला गया। वह दमहानी बाजार में विभिन्न स्थानों पर गए और खत्म हो गए। संतोष सिंह, निमाई मित्र पश्चिम वर्धमान जिला परिषद सदस्य पूजा मद्दी, ग्राम पंचायत के प्रमुख रूमा सिंह, रामू रॉय उपस्थित थे। নির্বাচন কমিশন না এনআইএ কেউ কোনোভাবে দোষীদের এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি। আমরা ভিডিওগুলি যেটা দেখেছি, ইডিকে কয়েকজন সে ধাক্কা দিয়েছে, তার ফলে আমাদের জননেত্রীর পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি এই মুহূর্তে শয্যাশায়ী। আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, দুমানি আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। যারা ধাক্কা দিয়েছে তারা এখনও শনাক্ত করা হয়েছে, কোন পলিটিক্যাল কোন পার্টির লোক? যতদূর আমাদের দলীয় যে সংকট সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বিরোধী পক্ষ, বিশেষ করে বিজেপি দলের কয়েকজন লোক এই চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। गुरुवार को अंडाल थाना इलाके में एक घटना प्रकाश में आई। इसके अलावा एक और स्टोर अगले दरवाजे को तोड़ दिया गया और चोरी हो गया। इस घटना में अल्बेस्टर द्वारा बनाए गए पार्टी कार्यालय की छत और दरवाजे के ताले टूट गए, साथ ही ऑफिस के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ पाया गया। बताया जाता है कि कार्यालय के बगल में स्थित दुकान से 5,000 रुपये चोरी हो गए। घटनास्थल से शराब की एक बोतल बरामद की गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना शराबियों की वजह से हुई थी। जमीनी नेताओं के अनुसार घटना पर विपक्ष द्वारा एक साजिश हो सकती है। इस बार सुनील मंडल के खिलाफ पोस्टर बबल मानक में पढ़ा गया था।
पिछले कुछ दिनों में बुदबुद के मानकर कांगसा और गोलसी इलाकों में लोगों ने सुनील मंडल के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। इस बार क्षेत्र के लोगों ने उम्मीदवार के रूप में सुनील मंडल की जगह एक काउंटर पोस्टर दिया। इलाके के लोगों में अटकलें शुरू हो गई हैं कि पोस्टर शुक्रवार सुबह देखा जाएगा। सवाल यह है कि इस पोस्टर का समर्थन या विरोध कौन कर रहा है। पोस्टर में लिखा है, एक शरारती गाय की तुलना में एक खाली खलिहान बहुत बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि घासी के लोग पार्टियों को बदले। हालांकि पूरा मुद्दा भाजपा की एक गुटबाजी है। वर्तमान सदर तृणमूल के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन ने कहा, दूसरी ओर भाजपा नेता रमन शर्मा ने कहा, हम यह तय करने वाली पार्टी नहीं है कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। जिस तरह से तृणमूल नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तृणमूल को इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी पर भाजपा उपद्रवियों के हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व और तृणमूल कार्यकर्ताओं के भाइयों ने आज आसनसोल दक्षिण ग्रामीण तृणमूल कांग्रेस की ओर से क्षेत्र में मार्च निकाला। मेमो ट्रेन सेवा को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया गया। आसनसोल निम्नलिखित मेमू सेवा को नए ट्रेन नंबरों के साथ स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। 63553 आसनसोल वाराणसी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03553 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63554 वाराणसी आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03554 के साथ 15 मार्च 2021 से चलेगी। 63545 आसनसोल गया मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03545 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63546 गया आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03546 के साथ 15 मार्च 2021 से चलेगी। 63555 आसनसोल बरकाकाना मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03555 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63556 बरकाकाना आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03556 के साथ 15 मार्च 2021 से चलेगी। 63541 आसनसोल गोमू मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03541 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63542 गोमू आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03542 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63573 जसीडी कुइल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03573 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63571 जसीडी मोकामा मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03571 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63572 मोकामा जसीडी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03572 के साथ 15 मार्च 2021 से चलेगी। 63153 जसीडी वैद्यनाथ धाम मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03561 के साथ 15 मार्च 2021 से चलेगी। 63156 वैद्यनाथ जसीडी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03566 के साथ 15 मार्च 2021 से चलेगी। 63563 आसनसोल जसीडी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03563 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63562 वैद्यनाथ धाम आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03562 के साथ 15 मार्च 2021 से चलेगी। 63167 जसीडी वैद्यनाथ धाम मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03567 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी।
63168 वैद्यनाथ धाम जसीडी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03568 के साथ 14 मार्च 2021 से चलेगी। 63169 जसीडी वैद्यनाथ धाम मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में संशोधित ट्रेन नंबर 03569 के साथ 15 मार्च 2021 से चलेगी। रानीगंज विधानसभा के अंडार ब्लॉक का उखड़ा इलाका आज तृणमूल कांग्रेस की पहल पर उखड़ा कम्युनिटी हॉल स्टाफ की बैठक में हुआ। परिचालन के दिनों में परिवर्तन। आसनसोल ट्रेन संख्या 73539 अथवा 73538 अंडाल जसीडी अंडाल डेमू पैसेंजर क्रमशः 03539 या 03538 के रूप पुनर्संख्याकित और 73581 और 73582 जसीडी बांका जसीडी डेमू पैसेंजर क्रमशः 03581 अथवा 03582 के रूप में पुनर्संख्याकित अब रविवार को छोड़कर बदले शनिवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य 8 दिनों को चलेगी।
आसनसोल रविंद्र भवन के पास रजाई गद्दे की दुकान में आग लगकर पूरे सामान राख हो गई। घटना स्थल पर दमकल विभाग के प्रमुख लोग आकर आग को काबू में पाए। इलाका में पूरी उत्तेजना, ट्रैफिक जाम कर पूरे अंधकार का होने के बावजूद भी दमकल विभाग के कर्मी के लोग आग बुझाने में कामयाब हुए। यूनियन नेता राजू अहुवालिया ने आग बुझाने में सहयोग किया। आज का सुविचार, जब आपके इरादे शुद्ध होते हैं।